आज से गुलाबी शहर में मेट्रो का सफर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मानसरोवर स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर मेट्रो को रवाना किया। आज से ही आम लोगों के लिए 9 स्टेशनों पर मेट्रो की शुरुआत हो गई है। 9 किलोमीटर की यात्रा 23 मिनट में पूरी होगी। एक मेट्रो ट्रेन में 1100 यात्री सफर कर सकते हैं। रात 9 बजे तक मेट्रो का संचालन होगा। हर 10 मिनट में लोगों को स्टेशन पर मेट्रो मिलेगी। 3 स्टेशन तक के लिए 5 रूपये, 6 स्टेशन तक के लिए 10 रूपये और 9 स्टेशन तक के लिए 15 रूपये मेट्रो का किराया तय किया गया है। आज मैं ये अच्छा दिन है, हम लोगों ने सबने ये तय किया है आज के दिन इस ट्रेन को हमारे जयपुर की जनता को समर्पित करने का दिन है, खुशी का दिन है। हमारा ये हमारी कोशिश ये थी क्योंकि ये एक ऐतिहासिक सिटी है और साथ में एक टूरिज्म की सिटी है कि ये सब जो स्ट्रक्चर्स बने ऐसे बनते कि उसकी ब्यूटी फिर भी निकल के निकल के आती। अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई तो उसको किस तरीके से अब और ठीक करना ताकि आने वाले समय के अंदर ये ब्लेंड इन हो जाए आपकी सिटी के अंदर, उसकी भी हमारी कोशिश रहेगी। साथ साथ 1B को भी हम जल्दी से जल्दी, अभी ये इसके 2 फेजेस और आगे वाला जो फेज उसको भी जल्दी हम करना इसलिए चाहते हैं क्योंकि सरकार यही एक प्रदेश है जिसने पूरे पैसे इस मेट्रो के अंदर लगाए हैं और इसकी इकोनॉमी तभी वायबल होगी जब लंबे डिस्टेंसेस होंगे, क्योंकि अभी के दिन जितना समय हम लगाएंगे उतने समय में हमको सब्सिडाइज करना पड़ेगा जो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ी बोझ है। इसीलिए हमारी कोशिश यह है कि जल्दी से जल्दी हम आगे की लाइंस भी इसके साथ जोड़ दें ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमको मिल जाए और सरकार को इतने जोरदार तरीके से इसको सब्सिडाइज न करना पड़े। परंतु एक ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए और इसमें हम सबको सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जयपुर मेट्रो की शुरुआत आज से हो चुकी है। मानसरोवर स्टेशन पर हम मौजूद हैं। आम लोग भी, हालांकि 2 बजे से मेट्रो की औपचारिक रूप से शुरुआत आम लोगों के लिए होगी और आप देख सकते हैं ये जयपुर मेट्रो की जो 4 बोगियां हैं वो लगभग पूरी फुल बिल्कुल भरी हुई हैं और लोगों को जो उत्साह है, जो क्रेज है, जिस तरीके से लोग इस ट्रेन को लेकर उत्साहित हैं, आप देख सकते हैं कि लोग बड़ी संख्या में इस ट्रेन का पहली शुरुआत जो शुरुआत के जो यात्रा है उसका आनंद लेना चाहते हैं। महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सभी लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हैं और इस ट्रेन का आनंद जो है वो उठाना चाहते हैं। आप मैडम मेट्रो में सवारी कर रही हैं, जयपुर में आपने पहले उम्मीद लगाई थी, पहले दिल्ली में आपने देखी होगी, जयपुर में आज देख रही, कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है और उम्मीद से ज्यादा अच्छा लग रहा है। सोचा था आपने जयपुर में मेट्रो इतनी जल्दी चल जाएगी? नहीं, हमने कभी नहीं सोचा था, लेकिन ये बहुत अच्छा स्वर्ग लग रहा है कि जैसे ये हम तो बॉम्बे में दिल्ली में आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। आज मैडम ने इसका उद्घाटन किया, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है अपन को। उद्घाटन हो चुका है, जयपुर मेट्रो का शुरुआत हो चुकी है, लोगों को काफी जो है आनंद भी आ रहा है, उत्साह के साथ जो है ट्रेन में इस मेट्रो में सवारी कर रही है। ये छात्राएं भी जो है इस मेट्रो के अंदर पहुंची है, जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं। एक बालिका भी आई है जिनका आज जन्मदिन भी है, नाम बताइए आपका? सारा काजला। क्या कैसा लग रहा है आपको आज बर्थडे के दिन ट्रेन के अंदर मेट्रो के अंदर घूमकर? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरे बर्थडे पे जयपुर में मेट्रो शुरू हो रही है, तो मुझे याद रहेगा कि मेरे जन्मदिन पर आज जयपुर में मेट्रो शुरू हुई थी। क्या कैसा अनुभव हो रहा है इस तरीके से? पहले आप ट्रेन में तो घूमी होंगी, मेट्रो में जा रही है, पहले कभी बैठी है दिल्ली बेंगलोर कहीं भी? नहीं, पहली बार बैठ रही है और जन्मदिन के दिन बैठ रही है, तो काफी खास दिन इनके लिए भी है और जयपुर वासियों के लिए भी है कि जिस तरीके से आज का दिन इनका जन्मदिन तो था ही, साथ में ये मेट्रो की शुरुआत भी यहाँ हुई है। आप देख सकते हैं ये जो मानसरोवर स्टेशन से जो ये यात्रा शुरू हुई थी, अब पहले स्टेशन पर ये मैं आपको यहाँ दिखा दूँ कि ये जो दूसरा स्टेशन, ये पहला स्टेशन आएगा न्यू आतिश मार्केट, यहाँ पर ये ट्रेन पहुंचेगी और जैसे ही न्यू आतिश मार्केट में ये जो ट्रेन है वो पहुंच जाएगी, ये ग्रीन सिग्नल देने लग जाएगी, यानी कि वो स्टेशन जो है वहां से निकल चुका होगा। तो कुल मिलाकर हर चीज के लिहाज से, हर विकास के लिहाज से, हर लिहाज से जो है जयपुर मेट्रो को खास माना जा रहा है और इस जयपुर मेट्रो के अंदर जिस तरीके से जो यात्रा की जा रही है, लोग जो आनंदित हो रहे हैं, जिस तरीके से उत्साह ले रहे हैं कि जिस तरीके से जयपुर मेट्रो आज जयपुर वासियों के लिए एक बहुत बड़ा एक उपहार हुआ है। आज पहले दिन जो है जिस तरीके से ये जयपुर मेट्रो रवाना हुई है,
बीजेपी के भी कुछ नेता जो है यहाँ पर मौजूद हैं, जिस तरीके से इस मेट्रो का आनंद ले रहे हैं, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये जो मेट्रो का उत्साह है वो अपने आप में एक अनोखा उत्साह है। विमल कटियार जी हमारे साथ है, विमल जी कैसा लग रहा है इस मेट्रो में घूम के? देखिए आज है ना ये जयपुर के लिए ऐतिहासिक दिन है, और मेट्रो जो है ना कई टाइम से देख रहे थे कि मेट्रो चालू होगी, जब दिल्ली और वहां जाते थे कलकत्ता जब लगता था कि मेट्रो में बैठेंगे कब कब चालू होगी। आज ये सभी लोगों को जयपुर की जनता के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज है ना मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इसका शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने आज जयपुर मेट्रो की सौगात जो है जयपुर वासियों को दे दी है, और कहीं ना कहीं ये एक विकास के नए आयाम यहाँ जयपुर के लिए जोड़ेगी। और ये आतिश मार्केट, जैसा मैं आपको बता रहा था कि पहला जो स्टेशन है ये आतिश मार्केट पर यहाँ पहुंच चुकी है अभी ट्रेन, और जैसे ही यहाँ से रवाना होगी ये ग्रीन सिग्नल देगी तो ये दूसरा स्टेशन के लिए रवाना हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति यहाँ आसपास यदि ट्रेन की गेट के आसपास रहेगा तो वो ऑटोमेटिक ये ऑपरेट होगा और ट्रेन का गेट जो है खुल जाएगा। तो कुल मिलाकर आज जयपुर शहर को एक बहुत बड़ी सौगात दी गई है। मेट्रो शहर आज से जयपुर, जो पिंक सिटी के नाम से कहलाया जाता था, वो आज से मेट्रो सिटी के नाम से भी कहलाया जाएगा। तो नई शुरुआत है, जिस तरीके से नया दिन है, और ये नया दिन कहीं ना कहीं एक मेट्रो का नई शुरुआत लेकर जयपुर वासियों के लिए आया है, जो आगे आने वाले दिनों में जो है एक ऐतिहासिक दिन, आज का दिन जो 3 जून की तारीख है, ये कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक दिन के रूप में याद रखा जाएगा। और जिस तरीके से ये जयपुर को आगे विकास की ओर जिस तरीके से जा रहा है, वो आज का दिन कहीं ना कहीं आज की तारीख वो ऐतिहासिक दिन के रूप में याद रखी जाएगी। कैमरामैन राजू के साथ अजीत शेखावत, समय राजस्थान, जयपुर।